केरला के कोरिकोड में निपा वायरस का खतरा, एक 12 साल के बच्चे की वायरस से मौत, डू और स्वास्थ्य कर्मियों को भी हुआ वायरस, 30 से ज्यादा लोगों को आइसोलेट किया गया है। 2018 में आया था केरला और वेस्ट बंगाल में निपा वायरस। टोक्यो पारा ओलंपिक कल समाप्त हो गया। भारत ने इस पारा ओलंपिक में 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड भी शामिल है। यह भारत का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। मेडल टेबल में भारत 24वीं पोजीशन पे रहा। पंजाब में रोडवेज के टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज ने अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई है। ये हड़ताल 6 सितंबर से शुरू होगी। ये कर्मचारी टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज को परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की नींव रखी। आयकर विभाग के इस कार्यालय भवन में भूटल के अलावा 18 मंजिल और एक बेसमेंट पार्किंग है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले सप्ताह केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भेंट की और शिक्षा नीति की समीक्षा की। उन्होंने 6,000 टीचर्स की वैकेंसीज को भी जल्दी ही भरने की बात की। इस सप्ताह जारी हो सकता है भारती का नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए, जिसके द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारी और दूसरे सहयोगी नकली और असली कोविशील्ड वैक्सीन पहचान सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही WHO ने अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में नकली कोविशील्ड वैक्सीन पे चिंता जताई थी।